हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन में पूछे गए पिछले साल के सामान्य विज्ञान जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन विद एक्सप्लेन के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें मैंने करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। यह आपकी डेली लाइव क्लास जो होगी रात के 8 बजे होगी। अब से टारगेट रहेगा आपका 40 में 40। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 100 लाइक का। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? संसद, कानून मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके साथ ही साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर करता है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि बल का MKS पद्धति में मात्रक है न्यूटन, डाइन, पाउंडर, वाट। बल का MKS पद्धति में मात्रक है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन। MKS प्रणाली में बल की SI आधार इकाई KGM अपॉन H2 न्यूटन N है। SI बल इकाई न्यूटन प्रतीक N है, जो कि किलोग्राम MS·2 के एक द्रव्यमान को त्वरित के लिए आवश्यक बल है। संबंधित CGS इकाई डाइन है, जो कि जिस किलोग्राम से S−2 के द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय है 5.5 घंटे आगे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से करीब 5.5 घंटे आगे है। इसका अर्थ है कि यदि भारत में शाम के 6 बजे होंगे तो लंदन में उस वक्त दोपहर के 12:30 बजे होंगे। उत्तर कोरिया को छोड़कर दुनिया के सभी देश ग्रीनविच मीन टाइम को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेडियो त्योहार किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। भारत का पहला रेडियो त्योहार ये मुंबई में आयोजित किया गया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में रेडियो प्रसारण को आज 87 साल पूरे हो चुके हैं। इस दिवस को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले व 2 ट्रांसमीटरों में से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। सन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारत प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें परिचालित करना शुरू कर दिया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वह खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दी जाती है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें 5 सक्रिय एक 10 फुट ऊंची घेरे में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करती है। फ्री थ्रो लाइन बास्केटबॉल से संबंधित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में कहां पर किया? पोखरण राजस्थान, चांदीपुर उड़ीसा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, कारगिल कश्मीर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोखरण राजस्थान। 11 मई 1998 को राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण परीक्षण रेंज में 5 परमाणु परीक्षणों में से पहले ऑपरेशन शक्ति मिसाइल को सफलतापूर्वक फायर किया गया था।
पोखरण परमाणु परीक्षण भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में भारत द्वारा किए गए 5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोटों की एक श्रृंखला थी। अगला क्वेश्चन गाइस, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? बुध, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहां पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। इस मंदिर की भावनाओं को यहाँ के पत्थरों पर किए गए उत्कृष्ट नकाशी ही बता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन किस सिद्धांत पर निर्भर करता है? विक्षेपण पे, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, टेरी बांध किस नदी पर है? गंगा, यमुना, महानदी, सतलुज। टेरी बांध किस नदी पर है? सो गाइस, टेरी बांध जो है ये गंगा नदी पर है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेरी बांध टेरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टेहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी विलांगना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? दैनिक, वार्षिक, दोनों, किसी से नहीं। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वार्षिक। ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। पृथ्वी का डी घूर्णन अक्ष इसके परिक्रमा पथ से बनने वाले समतल पर लगभग 66.5 अंश का कोण बनाता है, जिसके कारण उत्तरी या दक्षिणी गोलार्थों में से कोई एक गोलार्थ सूर्य की ओर झुका होता है। यही ऋतु परिवर्तन का मूल कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन, लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्यूपराइट, डोलेमाइट। लोहा का अयस्क है ऑप्शन ए जो है आपका हेमेटाइट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, लोहे के मुख्य अयस्क हेमेटाइट 70% लोहा और मैग्नेटाइट 72% लोहा। टेकोनाइट एक निम्न श्रेणी का लौह अयस्क है जिसमें 30% मैग्नेटाइट और हेमेटाइट होते हैं। हेमेटाइट आयरन ऑक्साइड Fe2O3 है। हेमेटाइट जमा ज्यादातर मूल रूप से तलछट्टी होते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट की बैटरी से 6 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय करेगा? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0.6 kWh। इसलिए 6 घंटे बराबर 6 × 3600 सेकंड में 6 × 3600 × 100 जूल ऊर्जा व्यय करेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, आत्मसमर्पण के लिए किस रंग का झंडा प्रयुक्त होता है? तो आत्मसमर्पण के लिए किस रंग का झंडा प्रयुक्त होता है? तो आत्मसमर्पण के लिए सफेद जो झंडा होता है वो प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लीजिए, सफेद झंडा युद्ध विराम और आत्मसमर्पण का प्रतीक बन गया है। 15वां क्वेश्चन है गाइस, घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति की, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति का, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गाइस, दिशा के विपरीत। जब परस्पर संपर्क में स्थित दो सतहों के बीच सापेक्ष गति होती है या सापेक्ष गति उत्पन्न होने वाली होती है तो ठोस सतहों के संपर्क तल पर पारस्परिक बल उत्पन्न हो जाते हैं जो दोनों सतहों के बीच होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करते हैं। इन बलों को घर्षण बल या घर्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है गाइस, 60 वाट के बल्ब को 50 घंटा जलाने पर कितनी ऊर्जा प्रयुक्त होगी। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 kWh। 17वां क्वेश्चन है गाइस, एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे। 20 28 40 48। एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो एक अष्टभुज में कुल 20 विकर्ण होंगे। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अष्टभुज में 20 विकर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गाइस, इंसुलिन शरीर में किस अंग से स्रावित होती है। फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, गुर्दा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अग्नाशय। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। हमारा आमाशय कार्बोहाइड्रेट्स को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है। इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पिंड का पृथ्वी तल पर भार 72 N है। पृथ्वी तल से R/2 ऊंचाई पर इसका भार है। उत्तर सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, ऑप्शन ए जो है आपका 32 N बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक पिंड का पृथ्वी की सतह पर भार 72 N है। इसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन निम्न में से सर्वाधिक है। चना, सेब, सोयाबीन, आलू। प्रोटीन जो होता है सोयाबीन में सबसे ज्यादा होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन या प्रोवोजिन एक जटिल भूयाति युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। कुछ प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित होता है। ये जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के मुख्य अवयव हैं एवं शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। रासायनिक गठन के अनुसार प्रोटीन को सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन तथा व्युत्पन्न प्रोटीन नामक 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 22वां क्वेश्चन है गाइस कि हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है। हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या है। तो हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है नाभिकीय संलयन। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करते हैं। दो हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम का एक एटम बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा अवमुक्त करते हैं। 23वां क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से एक खुला सागरीय बंदरगाह है। खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। भारत में इस प्रकार का पतन चेन्नई है जहां तट से दूर समानांतर जहाजी घाटों का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है गाइस कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक फैक्टर कौन है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, हरे पौधे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरे पौधे। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस स्थान को फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। किस स्थान को फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। ऑप्शन ए प्लासा, फॉरबिडन सिटी चीन के बीजिंग शहर के एक मध्य में एक महल परिसर है। इसमें पहले संग्रहालय है और चीन के मिंग राजवंश से किंग राजवंश 1420 से 1921 वर्ष के अंत तक चीनी शाही महल था। यह महल फॉरबिडन सिटी सम्राट और उनके परिवार के लिए निवास स्थान था और 500 वर्षों से चीनी सरकार का औपचारिक और राजनीतिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। दीपक मिश्रा, अश्विनी कुमार, के जी बालकृष्णन, एल पी रमन। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एन वी रमन।
भारत गणराज्य में अब तक कुल 48 वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। न्यायमूर्ति श्री एच जे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये आपको ध्यान रखना कि भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति थे श्री एच जे कनिया, और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति श्री एन वी रमण। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 332 ms। ओके। किसी माध्यम जैसे हवा, जल, लोहा में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। शुष्क वायु में 20 डिग्री सेल्सियस से 68 डिग्री F पर ध्वनि का वेग 344 मीटर प्रति सेकंड है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन सी है? हिमगिरी एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। आपको बता दें कि विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो लगभग 79 घंटे की यात्रा के दौरान रास्ते में 57 स्टेशनों से होते हुए 4,273 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का दबाव मापने में काम आता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, स्क्वेनोमैनोमीटर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्फाइगनोमैनोमीटर कहते हैं। बर्फ का गलनांक, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, टफ एंड फ्लेस्क द्वारा जारी 2020 में इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है? रणवीर सिंह, विराट कोहली, अक्षय कुमार, सलमान खान। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका विराट कोहली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डफ एंड फ्लैश के द्वारा जारी 2020 में इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी की लिस्ट भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहे। उनकी ब्रांड वैल्यू 207.7 मिलियन यूएस डॉलर है, जबकि बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार 118.9 मिलियन डॉलर के साथ मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी में दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आरपी सिंह, संदीप सिंह, सिद्धार्थ कौल, अशोक डिंडा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अशोक डिंडा। स्टेन के बारे में आप लोग जान लीजिए, जो स्टेन है, स्टेन लिखा है कि मैं औपचारिक रूप से इस खेल से संन्यास लेता हूं, जिसमें जोहान्सबर्ग में 31 अगस्त से दक्षिण अफ्रीका दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका के वो तेज गेंदबाज कौन जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, तो डेल स्टेन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज कितने वर्ष की उम्र में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं? ऑप्शन बी 25 वर्ष। जम्मू कश्मीर की रहने वाली आयशा अजीज सबसे कम उम्र देश की महिला पायलट बन गई है। उन्होंने साल 2011 में 16 साल की उम्र में स्टूडेंट पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? पंजाब सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंजाब सरकार। 1 फरवरी 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन योजना लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्थित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा जो है ये गोरखपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ किया। विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह 11 बजे चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष समारोह का नई दिल्ली में ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां एडिशन 8 फरवरी से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ VFI के चुनाव में फिर अध्यक्ष चुना गया है? संजय कुमार,
अजय सिंह, आशीष सेलार, संदीप संदर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका अजय सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अजय सिंह बुधवार को हुए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ VFI के चुनाव में फिर अध्यक्ष चुने गए हैं, जिन्होंने आशीष सेलार को आसानी से 37 से 27 मतों के अंतर से हरा दिया। गुरुग्राम के एक होटल में हुए चुनाव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में किया गया। स्पाइस जेट एयरलाइंस के चेयरमैन चेयरमैन सिंह के साथ अब नए महासचिव असम के हेमंत कुमार कलिता होंगे। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रूट 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9वें खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, रूट ने चेन्नई की एम चिदंबरम स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है। निम्न में से किस कंपनी ने अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिलायंस। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिकी तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक डिवीजन ऑक्सीलो कार्बन वेचर्स OLCV से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त की है। यह उपलब्धि 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में तेल प्रमुख की मदद करेगी। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहरीन। भारत ने फरवरी को ब्रिक्स फाइनेंस और केंद्रीय बैंकों के पदाधिकारियों की पहली बैठक की वर्चुअल माध्यम से मेजबानी की। ब्रिक्स अपनी वर्षगांठ मना रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने से ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 100 लाइक का। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आते हैं तो आपकी क्लासेज जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।